फॉक्स 7 की वेंटो है। आज हम इसका जो एयरबैग से और जो क्लॉक स्प्रिंग है स्टेयरिंग व्हील का, उसको रिमूव करने वाले हैं। सो मैं उसके जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका स्टेयरिंग व्हील है, ये इसका जो एयरबैग से इसमें जो क्लॉक स्प्रिंग आता है एयरबैग से, उसको कैसा निकलते हैं रिमूव करते हैं उसके जो लॉक्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये जो लॉक्स देख रहे हैं पीछे से, ये स्टेयरिंग है और ये आप जो देख रहे हैं लॉक्स, इसको स्क्रूड्राइवर डाल के ऐसा अंदर दबाने का, अंदर दबाया और एक साइड का मैंने खोल दिया था, अभी दूसरी साइड का खोला तो ये देख रहे हैं आप, इसका जो व्हील है वो बाहर आ गया। एयरबैग से वो जो है बाहर आ गया है। ये मैंने खोल लिया एयरबैग्स, इसको निकालने से पहले इसके अंदर एक क्लॉक स्प्रिंग आता है, वो निकालने के लिए इसका जो टायर है वो सेंटर में आना चाहिए आगे से, और व्हील जो है व्हील भी एकदम सेंटर में आना चाहिए, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है और बिगड़ जाता है तो फिटिंग करने के टाइम मतलब बिगड़ जाता है और जो क्लॉक स्प्रिंग है वो टूट जाता है। पे देख सकते हैं मैंने ये क्लॉक स्प्रिंग निकाल लिया है। निकालने के लिए कुछ नहीं, ये बस इधर से जो लॉक है वो लॉक जो इधर खटके में लॉक हुआ रहता है, ये देख रहे हैं आप इधर, और ये ऊपर से, और ये सॉकेट है ये भी क्लॉक स्प्रिंग में आता है, इधर लगता है वो खाली ऊपर उठाने का लॉक और क्लॉक स्प्रिंग बाहर आता है। लेकिन ध्यान रखना खोलने से पहले इसको जो टेप लगा लेना, ताकि ये जो स्प्रिंग है ये घूमना नहीं चाहिए, तो घूमने के बाद टूट जाता है। पूरा जो हॉर्न है एयरबैग से वो पूरा जो सिस्टम है स्टेयरिंग का व्हील का वो इसके ऊपर ही चलता है। क्लॉक स्प्रिंग इंस्टॉल करने के लिए बस इतना करना होगा, ये देख रहे आप, खाली प्रेस करना होगा, देख रहे आप बस इतना प्रेस करना होगा, ये जो लॉक है लॉक में जो ये बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये जो इस पर टेप लगाया था वो टेप निकालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए टेप निकालने के टाइम पे जो है ये क्लॉक स्प्रिंग जो है घूमना नहीं चाहिए। देख सकते मैंने जो है निकाल लिया है, फिर उसके बाद इस तरीके से जो है इंस्टॉल कर देने का। मैं आपको जो एयरबैग्स के लॉक बताया था वह लॉक से देख सकते आप, ये बाहर से जो है दीवार से जो है तार से काटना पड़ता है, अंदर पीछे से दोनों। जब व्हील लगाएंगे तो याद रखना ये जो दो लॉक्स है ये भी सेम मतलब होल में आने चाहिए, वो फाइबर क्या रहता है ना, इसलिए ध्यान देना चाहिए टूटता है। ये इसका एयरबैग से इधर से आप देख सकते हैं, ये जो लॉक्स रहता है ना इसका स्टेयरिंग का, ये इसमें लॉक हो जाता है, ये जो लॉक जो एक और एक इसमें जो है लॉक हो जाता है दोनों में। तो बिठाने के लिए कुछ नहीं है, सॉकेट लगा देने का और ये ऊपर से जो है खाली प्रेस कर देने का। ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये फाइबर निकलने के बाद है ना, ये क्लस्टर भी निकालेंगे तो अच्छा रहता है इसके लिए, इसका जो लॉक से एयरबैग्स का वो निकालने के लिए, तो इसके दो स्क्रूज दिए रहते हैं इधर नीचे, वो निकालेंगे तो क्लस्टर बाहर आता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसका जो क्लॉक स्प्रिंग जो इंस्टॉल करते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।